हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट जो कि निकला हुआ है, इसके बारे में। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसके लिए, तो इसका जो कि है बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है। मैं इसका डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के यहाँ पर निकला हुआ है मेन फीमेल कॉन्स्टेबल फेज़ 2 रिक्रूटमेंट 2018 में, जो कि एप्लीकेशन डेट शुरू होगा 1 नवंबर 2018 से, और लास्ट डेट है इसका 30 नवंबर 2018। इसका लास्ट पेमेंट भी जो कि है यहाँ पे 13 नवंबर 2018 में आपको फिल करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और एक बात है जो कि एग्ज़ाम डेट है 4 to 5 जनवरी 2019 में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा दिसंबर में। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे जनरल ओबीसी वालों के लिए 400 रुपीज़, SC ST के लिए 400 रुपीज़ सेम ही रहेगा। कोई भी आपको चार्ज और भी नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसको आपको ऑनलाइन में आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पे भरना होगा। वैकेंसी जो है 51,216 पोस्ट है इसका, बहुत ज़्यादा जो पोस्ट है यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नेम जो है कांस्टेबल सिविल पुलिस के, इसका टोटल वैकेंसी है 32,000। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 22 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द मेल कैंडिडेट, एंड फीमेल कैंडिडेट 18 to 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कि सेकेंड पोस्ट है कांस्टेबल इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्मी, इसका भी एज लिमिट सेम रहेगा और एलिजिबिलिटी जो है 12 पास आपको होना पड़ेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 10+2 या हायर सेकेंडरी, उसके बाद भी अगर जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेमी, मेल फॉर जनरल ओबीसी एससी जो है उसका 168, एंड मेल एसटी के लिए जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उसके लिए 160 सेमी, फीमेल जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 152 सेमी, और फीमेल एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेमी। चेस्ट रहेगा मेल जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर, एंड मेल एसटी के 77 to 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। रनिंग जो है 4.8 किमी इन 25 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट, 24 किमी इन 14 मिनट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे फिजिकली जो कि यहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस, आपको यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम देना है, उसके बाद DV एग्ज़ाम एंड PAT PST एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, इसका जो लिंक है, इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसका मैं लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसका सिलेबस जो है इसका भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना तो यहाँ पे उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इसका सिलेबस जो है आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट जो है इसको मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर 2018 से इसका जो ऑनलाइन के एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग वहाँ पे जो कि लिंक एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। नीचे मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग वहाँ से जाकर भी मेरे को फॉलो कर सकते। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को पूछ सकते, क्वेश्चन कर सकते। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यही वीडियो है। थैंक यू।